तो कौन सी प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया सामना करेगी पाकिस्तान से 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि होगा इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2022 का पहला मैच। पहले बात करेंगे ओपनर्स की। तो जैसे कि हमने एशिया कप और ऑस्ट्रेलियन साउथ अफ्रीका सीरीज में देखा कि रोहित शर्मा और केएल राहुल थे इंडिया के ओपनर्स, और पाकिस्तान के खिलाफ भी इंडिया के ओपनर्स रोहित और राहुल ही होंगे। रोहित शर्मा और केएल राहुल इस ओपनिंग पेयर के स्टैट्स को देखते हुए कहना होगा कि यही ओपनिंग पेयर परफेक्ट होगा। नंबर 3 पर होंगे विराट कोहली, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। उम्मीद है कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी ज़बरदस्त बैटिंग करेंगे। नंबर 4 पर होंगे इंडिया के लिए इस साल सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले इन फॉर्म प्लेयर सूर्य कुमार यादव, जो कि लगातार अच्छे नॉक्स खेल रहे हैं। नंबर 5 हार्दिक पांड्या, जो कि इंडिया के मिडल ऑर्डर को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो कितनी अच्छी फिनिशिंग कर सकते हैं वो तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 आए में हार्दिक पांड्या ने दिखाई दिया था। नंबर 6 दिनेश कार्तिक, जो होंगे विकेट कीपर और इंडिया के इस प्लेइंग 11 में निभाएंगे फिनिशर का रोल। नंबर 7 अक्षर पटेल। रविंद्र जडेजा, जो कि इंजरी के कारण रूल्ड आउट हो गए ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 से, उनके रिप्लेसमेंट है अक्षर पटेल, जो कि जडेजा की तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर है और ज़रूरत पड़ने पर अच्छे कैमियोस भी खेल सकते हैं। नंबर 8 भुवनेश्वर कुमार। बॉल को स्विंग करने में माहिर भुवनेश्वर कुमार पर जिम्मेदारी होगी पावर प्ले में इंडिया को विकेट्स दिलाने की। नंबर 9 मोहम्मद शमी। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह, जो कि बैक इंजरी के कारण T20 वर्ल्ड कप 2022 से हो गए बाहर, उनके रिप्लेसमेंट होंगे मोहम्मद शमी। इंडिया को एक एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर की ज़रूरत होगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे अच्छे से बॉलिंग करेगा और उन पिचेस का अच्छे से उपयोग करेगा, और वो ज़रूरत मोहम्मद शमी पूरी कर सकते हैं। अगर मोहम्मद शमी पूरी तरह से फिट ना हो तो हो सकता है इंडिया हर्षल पटेल या दीपक चहर, इन दोनों में से किसी एक को प्लेइंग 11 में शामिल कर ले। नंबर 10 युजवेंद्र चहल। मिडल ऑर्डर में इंडिया को विकेट्स दिलाने की जिम्मेदारी होगी युजवेंद्र चहल पर। नंबर 11 अर्शदीप सिंह। साउथ अफ्रीका सीरीज में अर्शदीप सिंह ने साबित कर दिया था कि पावर प्ले में विकेट दिलाने की क्षमता है उनमें, लेकिन अर्शदीप सिंह पर डेथ ओवर्स में अच्छा प्रदर्शन करने की भी जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों, ये हो सकती है इंडिया की प्लेइंग 11 पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2022 के पहले मैच में, जो कि होगा MCG में। आपकी क्या प्लेइंग 11 है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।